जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज बेटा जो हमने स्टार्ट की थी 5.3 और इसका जो ऑलमोस्ट जो एक्सरसाइज आज जो है ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 4 और 5 जो है इस एक्सरसाइज का रह गया है वो करेंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज है बेटे 5.3। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा क्या गया है द बेस एंड हाइट ऑफ आर ट्राइंगल आर वैल्यूज गिवन है x प्लस 3 सेंटीमीटर एंड 2x माइनस 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड x, x की वैल्यू जो है बेटे वो हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है उसको लिखेंगे, बेस की जो वैल्यू है हमारे पास जी बेटे। बेस ऑफ ट्रायंगल ये हमारे पास है x प्लस 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ट्रायंगल जिसको हम अल्टीट्यूड भी बेटे कह सकते हैं सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स की वैल्यू बेटे क्या करनी है हमने फाइंड करनी है। जी बेटे यहां पे जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे उसको राइट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या अल्टीट्यूड भी बेटे कह सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। ये बेटे इसका क्या है फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक हो गया, याद करने शाबाश जल्दी से। ये बेटे ये फार्मूला के अंदर जो हम वैल्यूज पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है इसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 20 लिखेंगे। बेस की जो वैल्यू है x प्लस 3 दूसरी जो है बेटे हाइट की जो वैल्यू है 2x माइनस 5। टू बेटे यहां पे देखे डिवाइड में लिख लेते हैं पहले डिवाइडेड बाय 2 वैल्यूज पुट कर दिए बेटे सारे फार्मूले के अंदर। अब बेटे इसको आगे सॉल्व करेंगे 2 जो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो आपके पास फैक्टर है बेटे x को पहले दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में जो प्लस 3 को आगे नेक्स्ट जो ब्रैकेट में वैल्यूज उनके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय 2x ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर। x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2x ये आ जाएगा बेटा प्लस 6x और ये बेटे हमारे पास आ जाएगा माइनस 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। ठीक है, पहले x को बेटे दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया फिर प्लस 3 को बेटे दोनों वैल्यूज के साथ क्या किया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये बेटे यहां पे जो है आ जाएगा 2x2
प्लस एक्स माइनस 15। अब बेटे यहाँ पे देखें 40 जो है प्लस के साथ है, जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बेटे इसको अब आप आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 55, ठीक हो गया। अब इसको बेटे आगे इसके हम फैक्टर फाइंड करेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है अप्लाई करके आप जो वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बेटे क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू जीरो करके यहां से जो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक एक्स की वैल्यू आ गई, दूसरी बेटे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। नेगेटिव वैल्यू को बेटे हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हम फिट कर लेंगे, क्योंकि जो मेजरमेंट की जाती है वो नेगेटिव में कभी भी जो है ट्रायंगल रेक्टेंगल किसी भी चीज की जो मेजरमेंट्स की जाती है नेगेटिव में नहीं होती। नेगेटिव वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इग्नोर हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू जो बेटा पिक कर लेंगे और इससे हम जो है बाकी जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बेस फाइंड कर लेंगे और फाइव बेटा हम फाइंड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको, इतना नोट कर ले फिर आगे बेटा कंटिन्यू करते हैं। x की वैल्यू बेटे हमारे पास आ गई 5 जो तो हमने फाइंड करने कर चुके हैं, अब बेस और ट्रायंगल फाइंड करनी होगी, कैसे करेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 5 है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, हाइट फाइंड करनी होगी, जी बेटे आ जाएगा हमारे पास 5। नोट कर लें,
बेटा रेस करते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है, द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर 22 सेंटीमीटर एंड एरिया जो है बेटा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ और जो ब्रेथ है वो बेटा रेक्टेंगल की क्या करनी है, फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बेटे लेट कर लेते हैं, इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ये गिवन है बेटे हमारे पास 22 सेंटीमीटर। दूसरी बेटे हमारे पास है एरिया ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ और ब्रेथ जो हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास गिवन है और नेट कर लेते हैं। बेटे सबसे पहले उन दोनों के फार्मूले देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला, उसको देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का बेटे फार्मूला हमारे पास होता है टू इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे लेंथ हमने x को नोट किया हुआ है और ब्रेथ के हमने किया हुआ है y को, ठीक है। ये बेटे इसका क्या फार्मूला है, 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो हमने लेंथ की जगह पे x वैल्यू ले ली और ब्रेथ की जगह पे y। अब बेटे बेटे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास है 22 सेंटीमीटर है, 22 लिखेंगे इक्वल टू साइन 2 इनटू x प्लस y, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, लेकिन इसको मजीद सॉल्व करेंगे। 2 देखिए यहां पे बेटे मल्टीप्लाई है, जब इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, कटिंग होकर बेटे 11 आ जाएगा, 11 इक्वल टू है x प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर बेटा हमारे पास 1 आ गया। सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बेटे फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यहां पे देखेंगे x मल्टीप्लाई बाय y, तो ये आ जाएगा x y आ जाएगा। और बेटे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे जो वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब यहां ये 30 जो वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर बेटे हमारे पास आ जाएगी सेकंड। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन में हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y की फाइंड कर लें या x की कर लें, यहां से y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो बेटे x यहां पे देखिए पॉजिटिव है, दूसरी इक्वल के दूसरी साइड पे आगे क्या जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारे पास बेटे आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसको आपने सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बटे x को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 11x माइनस x के 30। अब इसको बटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं, x
स्क्वायर पहले आ जाएगा माइनस है, दूसरी साइड पे जाके बेटा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है दूसरी साइड पे जाके क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। बेटा ब्रेक कर दें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके यहां से आप x की वैल्यू जो बेटे फाइंड कर सकते हैं। x कॉमन निकलेगा x - 6 - 5 कॉमन निकलेगा x - 6। इक्वल टू 0 करके यहां से बेटे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इससे आगे का फिर कंटिन्यू कर देंगे। इतना नोट कर लें शाबाश जल्दी से। बेटे इक्वल टू 0 करके यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x - 6 इक्वल टू 0, x - 5 इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ जाएगी 6, दूसरी वैल्यू आ जाएगी बेटे हमारे पास 5। अब इसको हम वैल्यू को करके y के अंदर पुट करके हम जो है y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेंथ हमारे पास आ गई 6 आ गई और एक आ गई है 5, ठीक है। बेटे ये हमारे पास इसके आंसर आ गए, आंसर लिखेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर आ गया, नोट कर लें फिर आगे बेटा कंटिन्यू। बेटे आगे जो है इस चैप्टर के एमसीक्यूज आ रहे हैं, एमसीक्यूज को देख लेते हैं। फर्स्ट बेटे एमसीक्यूज है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ डिग्री, तो उसका बेटे क्या है आंसर जो है वो 2, ठीक है। डिग्री क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 2 होती है। तो इसका बेटे एमसीक्यू नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या है ए, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं बेटे, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ऑफ डिग्री, लीनियर इक्वेशन में जो क्या होती है डिग्री 1 होती है, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी। थर्ड में है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करें तो क्या आंसर आता है ये इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मूव कर लेंगे इक्वल टू 0, यहां से बेटे कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बच जाएगा 2x माइनस 3। तो ये बेटे इसका आंसर जो है बी ऑप्शन है, ठीक है। कौन सी ऑप्शन है बी। आगे फोर्थ
क्वेश्चन सेट ऑफ, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए बेटे क्या करने के, स्क्वायर को खत्म करना, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, प्लस माइनस टू आ जाएगा। एक दफा बटे प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस के साथ करेंगे, माइनस हो जाते बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आंसर आ गया फोर। दूसरा बेटे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस टू है उसको जाके बेटा प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, जीरो। इसका जो आंसर है जीरो और फोर। ऑप्शन नंबर बेटा ए सॉल्व करके बता दिया। आगे कहते हैं नंबर ऑफ टेक्निक टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटे तीन मेथड है जिसके साथ जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीन इक्वेशन है जिसके साथ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व या वो कर सकते हैं। जी बेटे एक दफा फिर देख लें, एमसीक्यू नंबर वन का आंसर है ए, एमसीक्यू नंबर टू का आंसर है बी, एमसीक्यू नंबर थ्री का आंसर है बेटे बी है, एमसीक्यू नंबर फोर का आंसर है जीरो फोर यानी ए है, ठीक है। इसको आप मार्क कर लें, जो है सॉल्व करके भी मैंने आपको बता दिया। आगे एमसीक्यू नंबर फाइव है, इसका जो आंसर है कितने मेथड है, थ्री मेथड है बेटे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या है सी। थ्री मेथड है, सिक्स का बेटा क्वेश्चन सेट अगर इसको मिड टर्म ब्रेक की जाए तो उसकी मिड टर्म ब्रेक भी बेटे आ जाएगी x minus 2x plus 6 equal to 0, x minus 2 common निकालेंगे आ जाएगा x minus 3 equal to 0, ये आ जाएगा x minus 3, x minus 2 equal to 0, दोनों को equal to बेटा 0 करेंगे, a का आंसर आ गया 2 और a का आंसर आ गया 3, तो solution set बेटे क्या बनेगा 2 3, ये c option है। कौन सी ऑप्शन है सी। आगे बेटे एमसीक्यू नंबर सेवन है, सेवन का जो है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, क्वेश्चन सेट बताना है, नाइन जगह स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, कट हो जाएगा और ये आंसर जाएगा प्लस माइनस थ्री, ठीक है। ये आंसर बेटे बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बेटे जो है एट का जो है आंसर जो है बी ऑप्शन है, ठीक है, एट ही क्या है बी ऑप्शन है, एट की जो है बी ऑप्शन है। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेटे फार्मूला क्या होगा, नाइन जो है जैसे भी सॉल्व किया वैसे सॉल्व होगा, इसका है प्लस माइनस वन आंसर है, यानी बी ऑप्शन है नाइन एमसीक्यू का क्या है बी, और 10 की जो ऑप्शन है वो भी है बी। ठीक हो गए, ये थे बेटे एमसीक्यूज भी करा दिए, इसी के साथ आपका ये चैप्टर है खत्म हो गया, फिलिंग का ब्लैंक्स है वो बेटे आपने उसको खुद सॉल्व कर लेना है, मोस्टली इसमें से जो वही है जो आपके एमसीक्यू एमसीक्यूज में आ रहे हैं। तो बेटा यूनिट नंबर 5 जो है ये आज जो है कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह बेटे कल दोबारा हाजिर होंगे नए चैप्टर का आगाज करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।